नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। देखिए दिन भर की प्रमुख खबरें। राष्ट्र किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में होशंगाबाद ब्लॉक के ग्राम पलासदो में ग्राम इकाई का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक सदस्य अशोक पाठक, देवेंद्र पालीवाल, ग्राम इकाई अध्यक्ष राहुल दुबे, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, प्रिय साहू, मंत्री राहुल मेहरा, सहमंत्री दिनेश मेहरा, मोहित मेहरा, कोषाध्यक्ष शुभम पालीवाल, मीडिया प्रभारी नीलेश शर्मा, सहयोजक योगेश कुमार पटेल, छात्र संयोजक रामलखन साहू, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रोहित मेहरा, विक्रम साहू, नैसर्गिक सेती उमाशंकर शर्मा, आयुष्मान पटेल आदि को पदाधिकारी बनाए गए। और 15-16-17 सितंबर को उज्जैन अधिवेशन में जाने को ग्राम में अधिवेशन में जाने को ग्राम से 25 सदस्य का संकल्प लिया। कार्यकारिणी गठन में मुख्य रूप से उपस्थित मध्य प्रांत के अध्यक्ष सम्मान्य श्री लीलाधर सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, जिला कार्यकारिणी सदस्य जगदीश रघुवंशी जी, होशंगाबाद ब्लॉक के अध्यक्ष मोनू चौहान, रूप सिंह एवं इटारसी तहसील अध्यक्ष ब्रजेश उपस्थित रहे। देखिए सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के रायटी थाना के अंतर्गत आने वाले चकल्दी खडलिया नाले में अल्टो कार बही भोपाल के दो लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। रायटी तहसील के ग्राम चकल्दी के समीप खडलिया नाले में अल्टो कार बह गई, उसमें सवार दो लोगों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है। कार चालक महेंद्र सिंह मेवाड़, खाद गोदाम प्रभारी नैसलगंज अपने भांजे मयंक मेवाड़ा के साथ भोपाल जा रहे थे, तभी झोलियापुर ग्राम के पास रास्ते में पेड़ गिर गया, जिसके चलते वापस नैसलगंज आ रहे थे, तभी खडलिया नाले में तेज पानी बढ़ने से कार बह गई। दोनों कार चालकों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। अल्टो कार क्रमांक MP37C 1488 बह गई। नैसलगंज से संतोष मीणा की खास रिपोर्ट। कहाँ से कहाँ रहते, नाम बता दो। भोपाल जा रहे थे, झोलियापुर में रोड बनने के कारण रोड बंद हो गया था, तो पुनः वापस नैसलगंज जा रहे थे। तो कैसे बचे, मतलब कितना पानी था उसमें, आप गाड़ी बाहर कर रहे थे? गए थे जब नदी में कुछ पानी नहीं था, आते समय तब भाव तेज था, शुरू हुई थी, हमें नहीं मालूम था, आखिरी के लास्ट स्टेज में नदी का तब भाव तेज था, गाड़ी भी गई, हम भी उसमें चले गए, तो जा बच्चे फेर के जाने। चलो धन्यवाद। सीहोर जिले में शिवसेना कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन। आज सीहोर में कोतवाली चौराहे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर नगर पालिका एवं शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिवसेना कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की मांग थी कि सीहोर नगर की पूरी रोड खुदी पड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था के बुरे हाल है, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नागरिकों को नारी का जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने कलेक्टर और सीहोर के सभी नेताओं को इस समस्या के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया। विवश होकर आज हमने कोतवाली चौराहे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा। आज भी प्रशासन का कोई अधिकारी हमारी समस्या का निराकरण करने नहीं आया, तो आगे भी हम शहर की समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण ना हो। नरसलावन से संतोष मीणा की खास रिपोर्ट। पालिका और नगर प्रशासन के नाम पे धरना प्रदर्शन रखा गया है, जो कि हमने 1 तारीख को भी नगर पालिका को अल्टीमेटम दिया था कि सीहोर की व्यवस्था सुधारी जाए। उसके बाद भी शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश की गई नगर पालिका को अल्टीमेटम देने की, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके नगर पालिका के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन दिया है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सीहोर की व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी, शिवसेना इसी तरह से धरने पर बैठी रहेगी। नगर पालिका की कमान संभालेगा, उसका हक बनेगा सीहोर की व्यवस्था सुधारना। अभी वैसे सुनने में आ रहा है SDM साहब उसकी कमान संभालने में लगे हुए हैं। SDM साहब का एक कार्य बनता है कि सीहोर की व्यवस्था सुधारें और सीहोर की जनता को आश्वासन दें कि सीहोर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी।